और आज मैं आपको बहुत अच्छे फ्लैट्स दिखाने वाली हूँ जो कि सुशांत गोल्फ सिटी में है। 2 BHK, 3 BHK, 2 BHK सर्वेंट, 3 BHK सर्वेंट एंड 4 BHK सर्वेंट फ्लैट्स हैं ये। जैसे कि हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं रिशिता मलबरी हाइट्स, जो कि सिचुएटेड है सुशांत गोल्फ सिटी अंदर सेक्टर जी। ये टावर्स, एक टावर पोजीशन हो चुका है, कुछ फैमिली आ चुकी है और एक टावर और पोजीशन होने वाला है। ग्राउंड प्लस 14 है, आप लोन अवेल कर सकते हैं, अप टू 80% SBI अप्रूव्ड है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूं शिल्पी और आज मैं आपको बहुत अच्छे फ्लैट्स दिखाने वाली हूं जो कि सुशांत गोल्फ सिटी में है, रिशिता मलबरी हाइट्स। 2 BHK सर्वेंट, 3 BHK सर्वेंट एंड 4 BHK सर्वेंट फ्लैट्स हैं ये। और इनका क्या एरिया वगैरह है, क्या प्राइस वगैरह है, सारी डिटेल जानते हैं और बात करते हैं गणेश जी से। आइए गणेश जी। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं रिशिता मलबरी हाइट्स, जो कि सिचुएटेड है सुशांत गोल्फ सिटी अंदर सेक्टर जी। ये 21.45 लगभग 22 एकड़ की टाउनशिप है, जो कि LDA अप्रूव रेरा रजिस्टर्ड है, नेशनलाइज बैंकों में SBI अदर बैंकों से अप्रूव है। 22 एकड़ में हम 16 टावर्स की टाइम लेके चल रहे हैं, जो कि RCC मायवान कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है। और 8 एकड़ के इसमें सेंट्रल पार्क आपको मिलेगा काफ़ी बड़ा, और 60,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस, जिम, इंडोर गेम्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कैसे कैसे आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, 2 BHK से लेके हमारे यहाँ 3 BHK, 3 BHK सर्विट, 4 BHK सर्विट, 4 BHK स्टोर, कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम अभी सैंपल में देखने वाले हैं 3 BHK सर्विट, जो कि 1964 स्क्वायर फीट का है। और वीडियो क्लास में आपको हम क्या प्राइसिंग यहाँ पे अप्रॉक्स स्टार्ट होता है वही आपको बताएंगे। तो लग्जरी सेगमेंट में ये रिशिता के फ्लैट्स हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो चलिए, ये सैम्पल फ्लैट है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, इसका टूर दिखाती हूँ। तो मैं आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट का सैंपल दिखाने वाली हूँ, 1964 स्क्वायर फिट का। तो आइए, इस तरीके से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको राइट हैंड साइड पे आपका सर्वेंट रूम मिल जाएगा विद अटैच टॉयलेट, विद अटैच बालकनी। आइए, सो ये बालकनी है जो कि आप एक्सेसिबल है आपकी किचन से भी, तो जो भी सर्वेंट है आपका, वो आपको उसे घर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है किचन। चलिए, एंड हम इस तरफ आते हैं। ये सैंपल फ्लैट है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सैंपल फ्लैट है, आपको यहाँ पे फर्नीचर वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको एम्प्टी फ्लैट मिलेगा। इस तरफ आपका ये पूरा डाइनिंग का स्पेस आप इसे बना सकते हैं, आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस तरफ डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं, देखिए। एंड ये पूरा आपका हॉल है, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये पूरा आपका हॉल है विद अटैच बालकनी, ये देखिए, काफ़ी अच्छे स्पेशियस बालकनी आपको मिलती है। ये देखिए, हर फ्लैट से बाहर का व्यू अलग रहने वाला है। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ इस तरफ बालकनी मिल जाती है। एंड साथ ही आपको इस तरफ किचन मिल जाता है। ये पूरा आपका लिविंग स्पेस हो गया, इधर डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं आप, और इस तरफ आपको किचन मिल जाता है। तो किचन आप देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस, मतलब काफ़ी अच्छी किचन आपको मिल जाती है, इस तरीके की आपको किचन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी जो मैंने अभी उस तरफ से दिखाई थी, अटैच है किचन से भी। एंड इधर आते हैं, इस तरफ आपको एक टॉयलेट मिल जाता है जो कि कॉमन टॉयलेट रहने वाला है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा टॉयलेट आपको मिल जाता है, स्पेशियस। एंड इस तरफ आते हैं तो हमें एक बेडरूम मिल जाता है जो कि आप एज अ गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं, ये आपका गेस्ट रूम हो गया। इस तरफ आपको कबर्ड के लिए होलो स्पेस मिल जाएगा। एंड ये है आपकी अगेन बालकनी, काफ़ी सारी बालकनी है, सबसे अच्छी चीज़ है। आइए, ये देखिए, काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे भी बालकनी मिल जाती है, जो कि आपके लिविंग रूम से प्लस आपके किड्स रूम से अटैच रहने वाली है। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है आपका किड्स रूम, ये देखिए, इस तरीके का आपको किड्स रूम मिल जाता है। एंड साथ ही अटैच वॉशरूम मिल जाता है, ये वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, यू नो, बच्चों के लिए। और वैसे भी यहाँ पे इसमें जितने भी बाथरूम हैं काफ़ी स्पेशियस हैं बाथरूम वगैरह। ये देखिए, अगेन आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाती है जो कि गेस्ट रूम एंड लिविंग, गेस्ट रूम से एंड किड्स रूम से अटैच एक बालकनी आपको मिल जाती है। एंड ये है आपका मास्टर बेडरूम, और ये है आपका मास्टर बेडरूम, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, मास्टर बेडरूम होना चाहिए जितना स्पेशियस, अच्छा खासा स्पेस आपको इस मास्टर बेडरूम में मिल जाता है विद अटैच बालकनी, बालकनी में भी बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है।
आइए, ये देखिए इस तरीके का स्पेस आपको बालकनी में भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस बालकनी आपको मिलती है। तो हर रूम में हर जगह आपको बालकनी मिलने वाली है। विद इस तरफ आ जाते एंड यहाँ पे आपको ये चेंजिंग एरिया मिल जाता है। अगेन आपको अलमीरा के लिए होलो स्पेस मिल जाएगा, इस तरफ आपको चेंजिंग एरिया मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। अगेन यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस आपको वॉशरूम मिलने वाला है। तो ये 3 BHK फ्लैट का टूर था। तो चलिए अब इनके क्या प्राइस हैं सारी चीज़ें जानते हैं अगेन और बात करते हैं गणेश जी से। सो फ्रेंड्स, अभी हमने 3 BHK सैंपल देखा था बट यहाँ पे 4 BHK प्लस सर्वेंट का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ इस तरफ आप टॉवर देख सकते हैं जो ऑलरेडी लोग पोजीशन में हैं, ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। रेट फाइनली रिवील कर दीजिए, क्या रेट है, प्राइस? जैसे कि हमारे अभी कुछ रिसेंटली टावर्स, एक टावर पोजीशन हो चुका है, कुछ फैमिली आ चुकी हैं और एक टावर और पोजीशन होने वाला है। ये इस तरह से गोल्फ का व्यू हमारे यहाँ 4 BHK के टावर से आते हैं। रिसेंटली हमने सेरेनिटी के नाम से एक टावर भी लॉन्च किया था जहाँ की अप्रोक्स 6600 के रेट से 4 BHK प्लस सर्वेंट आते हैं। हम यहाँ पे एक मोटा मोटा प्राइस की बात करें अप्रोक्स, तो हमारे 80 लाख से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है 2 BHK, और 3 BHK में आप जाते हैं 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ा लेंगे प्राइस बढ़ते जाएंगे। 4 BHK सर्वेंट अगर आप देखते हैं तो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास 4 BHK सर्वेंट प्रेजेंट टाइम के रेट में आता है, जिसका कि साइज़ अप टू 3500 स्क्वायर फीट तक आता है। 4 BHK सर्वेंट प्लस स्टोर तक के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी वाइडर रोड 45 मीटर, 24 मीटर, कई तरह की 3 तरह की रोड्स आपको प्रॉपर्टी की तरफ मिल जाती है। काफ़ी बड़ा अप्रोक्स 1 एकड़ का सेंट्रल पार्क जिससे मल्टी यूटिलिटी, गेमिंग एरिया, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कई सारी चीज़ें आपको एमिनिटीज देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छा ये मायवान कंस्ट्रक्शन पर है जिसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो सीलन सीपेज ये चीज़ें आपको देखने को हमारी टाउनशिप में नहीं आएगी, RCC पर है। ग्राउंड प्लस 14 है, आप लोन अवेल कर सकते हैं, अप टू 80% SBI अप्रूव्ड है और अदर नेशनल बैंकों से भी अप्रूव्ड है। कोई क्वेरी हो तो आप दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। 80% तक आपको लोन हो जाएगा बिकॉज प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है एंड बैंक अप्रूव्ड है, SBI से ऑलरेडी लोन हो भी चुके हैं यहाँ पे। तो गोल्फ फेसिंग भी 4 BHK में आपको गोल्फ फेसिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है एंड फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ सभी कुछ है यहाँ से, सब कुछ आपको रिंग रोड से कनेक्टेड मिलेगा। तो कहीं भी आप पहुँचना चाहें तो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। शहीद बस से बिल्कुल कनेक्टेड, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, कनेक्टेड है आपका ये। तो आइए आप लोग साइट विजिट करके देखिए एंड पसंद आता है तो ज़रूर लीजिए। कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पर कॉल ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।